जी व्यूअर्स, मैं आपके लिए एक ऐसी ही भी लेके आया हूँ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। और ऐसे आप कैसे बनेगी वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो होती है, इसी तरह आपको वीडियो एडिटिंग बनेगी और उसमें एलिमेशन, स्टाइल्स, लुक, टाइटल, इस हर चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इतना मतलब यार बड़ा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है और मैं भी पर्सनली उसे इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए, और स्पेशली टिकटॉक यूज़र के लिए भी वो बड़ी बेनिफिट सॉफ्टवेयर है और उन लोगों के लिए भी बेनिफिट सॉफ्टवेयर है जो लोग यूट्यूब पे या फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं। अब हम इसके बारे में आपको रिव्यू देते हैं। इससे पहले हमारा ये चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। जी व्यूअर, फाइनली हम अपने मोबाइल में जाते हैं और मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ये, फिर आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। कल को आप मुझे कहेंगे कि जी स्किप करा दी या मुझे ये चीज़, मैं एक एक चीज़ मोबाइल पे स्क्रीन पे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएं बेहतरीन तरीके से। इस सब को सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की तरफ, तो हम मोबाइल की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं मोबाइल के। सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको ऐप प्ले स्टोर से ही मिलेगी, क्योंकि तमाम ऐप्स प्ले स्टोर के, लेकिन वहाँ पर आपने लिखना है VN। जी हाँ, ये VN एक लोगो फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पे लोगो नहीं आएगा। मैं इसे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे फॉलो करके आप इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और इसके अलावा ये बिल्कुल लोगो फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में मज़ीद हम आपको दिखा देते हैं इसकी जो वीडियो में, आप इसके मतलब स्टेप बाई स्टेप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मल्टी ट्रैकर है वीडियो एडिटिंग करके, एक वीडियो नीचे उसके ऊपर रख के भी आप कर सकते हैं। अगर हम दूसरे पेज कुछ, मैं इसका इसका वीडियो जो है ऑडियो आप कॉपीराइट फ्री ऑडियो इसमें ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, आप जो सी मर्जी ले लें। और अमेजिंग बात है कि इसमें इफ़ेक्ट है, फिल्टर है, फिल्टर इफेक्ट है, जो सा मर्जी लगा लें आप इसको। वीडियो को स्लोमो में भी मूड में इस्तेमाल कर सकते हैं और फास्ट मूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए उसी तरह आप ये देखें बताया गया है। आप जहाँ पे स्लो करना चाह रहे हैं, जहाँ पे फास्ट करना चाह रहे हैं, वेरी इजी वन क्लिक पे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टाइटल अपना जिस तरह आप देना चाह रहे हैं आप उस तरह दे सकते हैं, और आप की फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो को बना सकता है। ये कुछ हाईलाइट फीचर्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम फाइनली इसको आपको बताते हैं इसको कि आप किस तरह इसको सॉफ्टवेयर की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने ये टाइम ले रहा था इसलिए थोड़ा सी वीडियो को स्किप कर दिया था ताकि मैं इसको इंस्टॉलेशन कर लूँ, वीडियो बड़ी ना हो जाए। मैं जल्द से जल्द इसकी चीज़ें कुछ हाईलाइट फीचर्स आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा कुछ हाईलाइट फीचर्स जो वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, वीडियो बहुत छोटी शॉर्ट में बनानी होती है। कितनी ज़्यादा वीडियो होगी तो आप फिर कहते हैं जी इतनी बड़ी होगी वीडियो नहीं देखते। तो मैं इसको फाइनली ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये टाइम ले रहा है ओपन होने में, और क्योंकि ये एक बहुत फास्ट है, मोबाइल के हैंग नहीं होता, लेकिन जिसमें मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ वो ज़रा 3 GB रैम है, 4 GB रैम में बहुत बेहतर वर्क करेगा। और यहाँ पे जाके सिंपल आपने जाना है सबसे पहले प्लस के बटन पे, और यहाँ से आपने वीडियो लेनी है जो सी वीडियो आप करना चाहते हैं। मैं इस केस में वीडियो ले रहा हूँ अब मैं अपने बेटे की, ओके, और मैं इसको डन कर रहा हूँ। ये एक टिकटॉक की तरह वीडियो है, ओके, टिकटॉक की तरह वीडियो है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको सबसे पहले मैं इसको इस तरह आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपकी वीडियो को अपने ये देखें टैबलाइन में ले आएगा। आपने सबसे पहले वीडियो के इस पोर्शन को डिलीट कर देना जो एंड में पड़ा होगा, ये आपके लोगो ख़त्म हो जाएगा या कोई भी और चीज़ है। ये देखिए हमारे पास वीडियो, अब हम सबसे पहले इस पर ये करेंगे कि इसका हम नंबर 1 पे जाते हैं, और यहाँ से अगर आपने कोई फ़ोटोज़ लगानी है, मिसाल के तौर पर मैंने ये फ़ोटोज़ लगानी है,
या ये वीडियो या यहाँ पे टाइटल लगाना है कि ये यहाँ पे लग जाए, तो आप फाइनली यहाँ पे डाउनलोडिंग करके ला सकते हैं कॉम्फ्लेट। अगर खुद से आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप वीडियो एक्सपोर्ट करके यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। उसके बाद फिल्टर आता है, फिल्टर कौन सा रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, ये रखना चाह रहे हैं ये बहुत से ऑप्शन है फिल्टर में। और फिल्टर को आप अपने खुद ही यहाँ पे स्टे ऊपर दिए हुए हैं, आप कौन से मर्जी मूड में ले जाए और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको कस्टमाइज, मैं नहीं, मैं सिर्फ आपको 100 व्यू दे रहा हूँ जल्दी से ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या ऑप्शन है इसके, ये देखें कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद डन कर दें और उसके जो आके आप वो आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त नॉर्मल स्पीड जा रही है, मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक स्लो हो जाए और यहाँ से तेज़ हो जाए। ये देखें आप, मैं अब इसको प्ले करूँगा वीडियो को, क्या रिज़ल्ट देती है ये देखें। अब मैंने कहा है कि यहाँ से तेज़ हो जाए वीडियो और यहाँ पे स्लो हो जाए, ये वीडियो तेज़ और स्लो हो गई है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन में इस टाइम को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं या 0.5 सेकंड पे लेके जाना, डिपेंड आपके, आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं ओरिजिनल पे छोड़ रहा हूँ। और इसके अलावा आप इसमें फिक्स कर सकते हैं जिस तरह इस तरह आप लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह टिकटॉक में लगे आते हैं, या लैटिन लगाना चाह रहे हैं या जूमी लगाना चाह रहे हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आप कलरों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप जिस कलर में जा क्या रखना चाह रहे हैं साइड पे, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, उसके आगे हम इसके फ्यूचर में चले जाते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को क्रैप कर सकते हैं, आपने यहाँ रखनी है या इतनी रखनी, जितनी रखनी मैंने फुल रखनी है। और इसके अलावा आप इसको यूट्यूब में जा लेके जाना है, आपने इंस्टाग्राम में लेके जाना है इस वीडियो को, आपने टिकटॉक के लिए बना रहे हैं वो करना है, आप जो भी इसका साइज कस्टमाइज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और उसके आगे आपको उसके आगे जाते हैं और आपको आप वीडियो को लेफ़्ट और राइट आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह, वो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी करें। और इसके उसके अगला जो हमारे पास फ्यूचर्स आता है, इससे अगला मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हम इस वीडियो को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं और इसके जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं इस वीडियो को। और इसके अलावा हम इसमें फ्रेम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो सा फ्रेम ऐड करना है ये देखें। और यहाँ से ऊपर हर ऑप्शन के साथ ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, उसकी एडजस्टमेंट के लिए आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो आप एडजस्टमेंट करना चाहें। ओके, और इसके अलावा से अगर हम अब आपको बताएं कि अगर आपने टैक्स ऐड करना है इसमें, टैक्स म्यूज़िक ऐड करना, आप यहाँ पे म्यूज़िक के बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी टैक्स के पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका बेहतर लगे, मैं इस मौके पे ये टैक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा, लिखता हूँ साजन महमूद, मैं अपना नाम लिखता हूँ। और इस पे आप अपने इसी को बोल्ड कर सकते हो, जिस तरह आपका इसका फ्रेम चेंज कर सकते हो, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन रखें, ब्लैक रखें, रेड रखें, जो सा आपको एडजस्टमेंट लगे। अगर आप बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं टैक्स का, अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, ये देखें बहुत ही वाला सिस्टम, वन सेकंड। ओके, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ओके, और इसको आप जहाँ जैसे चाहें जैसे चाहें एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको, आप जिस तरह चाहें या जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको कर सकते हैं। इधर करना है, लेफ़्ट जाना है, राइट करना है, बैकग्राउंड ख़त्म करना है, आप जैसे करना चाहिए कर सकते हैं जी। तो हमने आपको टैक्स के बारे में बताया था कि किस तरह ऐड किया जाता है, अब हम आपको बताएंगे कि म्यूज़िक जी, ये एक तो मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूब फ्री म्यूज़िक होता है जिनकी कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। मैं आपको प्ले करके कोई भी म्यूज़िक यहाँ से आप देख लें, आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से प्ले कर लें।
अगर आपको म्यूज़िक सही लगता है तो आप म्यूज़िक की आवाज़ को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो पीछे से आवाज़ स्लो आए अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करनी हो। इसी तरह एडजस्टमेंट करने के बाद जब आपने एडजस्टमेंट कर ली को ओके करें, जब भी आप ओके करेंगे तो आपका म्यूज़िक यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएगा म्यूज़िक आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं म्यूज़िक की, जैसे आप करना चाहें अपने हिसाब से, जिस तरह अब इस पे म्यूज़िक के साथ ये वीडियो प्ले हो रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दरमियान में अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, मैंने पीछे बता चुका हूं आपको, और टेक्स्ट के कलर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं जिस तरह करना है, और उससे आगे अगर आपने यहां पे और वीडियो लगानी हो या कोई और फोटो बीच में ऐड करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ये मैंने एक और वीडियो को ले लिया है और जो कि मैंने बीच में ऐड हो रही है ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता दूँ कि दरमियान में आप वीडियो किस तरह ऐड कर सकते हैं। वेरी सी है, वेरी सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके के साथ है। आप जैसे मैंने बताया जिस तरह ये फ़ोटोज़ है आप ले सकते हो और अपने हिसाब से इस फ़ोटो को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप जहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे लगा के व्यूअर्स प्ले करूँगा तो ये वीडियो अच्छा। फिर आप फ़ोटोज़ को इस तस्वीर या फ़ोटो वीडियो एग्जाम्पल जो भी आपने लिया इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको जैसे इसकी कैसे लुक आनी चाहिए, ये डबल नज़र आए या कैसी लुक होनी चाहिए, ये सब कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बताते हैं किस तरह आपने जाना है। आपने यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन का नाम होगा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये ऑप्शन है ओके। और आप इसी क्रोमा ऑप्शन में आपने ये करना है कि आप कौन सा कलर यहाँ से उठाना चाह रहे हैं। मैं आपको एक मिनट बैक करके तस्वीर को अलॉन्ग करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। अब मैं ये एग्जांपल के तौर पे ये एक ग्रीन है मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रोना पे आऊँगा और ये जो मेरे पास आया इसमें मैं दिखाऊँगा इसको कि मैंने कौन सी चीज़ को हाइट करना है, कौन से कलर को हाइट करना है। मैं इसको ब्लैक को रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिएगा इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर में है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह आप ये देखिए ख़त्म हो गया ओके। आप इस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर गुंजाइश कोई रहती है। ये देखिए तस्वीर है इस पर और लेकिन उसका बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव किया था। इसी तरह आप ग्रीन वीडियो कोई भी लेके उसको आप बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, और इसके हिसाब से कलर और हर चीज़ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमने UN का मुकम्मल आपको रिव्यू बता दिया, आपको आई होप समझ आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आपको किस तरह बैकग्राउंड आप ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह अपनी वीडियो को टिकटॉक के लिए एडिटिंग कर सकते हैं या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट सबसे ज़्यादा व्यूअर्स ये है कि इसमें आपको लोगो की टेंशन नहीं होती, कोई लोगो नहीं शो होता, आप बेहतरीन तरीके से इसमें कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको इस VN सॉफ्टवेयर अबाउट कोई क्वेश्चन है या कोई समझ नहीं आई नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो कंसीडर कीजिए या पाकटेल PK की तरफ से, जहाँ पे आप मोबाइल एसेसरीज से ट्राइपॉड, रिंग लाइट्स, मोबाइल चार्जर, ब्रांडेड तमाम मोबाइल एसेसरी, हैंड फ्री हेडफोन, गेमिंग हेडफोन वगैरह बाय कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप नीचे दिए हुए लिंक को फॉलो करके हुए जाते हैं तो आपको 5% या 5% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में प्रोमो कोड को भी लेके जाना ताकि आपको शिपमेंट भी और फ्री मिल सके। हमारे इस YouTube चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और आप ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको वक्त अपने साझा महबूब तो इजाज़त, अगली वीडियो मिलते हैं बहुत ही जल्द, गुड बाय।